बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तलबात। जीआरडी स्टूडेंट्स इम्तिहान के मुताबिक डेट शीट के वाले से तमाम तलबा की एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। आप तमाम तलबा की सबसे पहले डेट शीट जो है वो कब आएगी या आ चुकी है, इस हवाले से क्या अपडेट है, और इसके साथ साथ तमाम तलबा को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें। तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड इम्तिहान की जो डेट शीट है उसके साथ साथ तमाम तलबा और तलबात के इम्तिहान की जो नई डेट्स आई हैं उनके हवाले से क्या अपडेट है, इम्तिहान की जो कन्फर्म तारीखें हैं वो क्या हैं, और इसके साथ साथ जो गुड न्यूज़ है तमाम तलबा और तलबात के लिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे इम्तिहान के मुताबिक कि कब आपके इम्तिहान का आगाज हो जाएगा, नौवीं क्लास के इम्तिहान के मुताबिक भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर इंटरमीडिएट वाले बच्चे उनके लिए भी बात करेंगे। लेकिन सब तमाम बच्चों से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें, शुक्रिया। जीआरडी स्टूडेंट्स अगर बात करें तमाम तलबा के जो है वो इसके मुताबिक इम्तिहान के मुताबिक सबसे पहले इम्तिहान की डेट्स के मुताबिक बात कर लेते हैं, तो टेंथ क्लास के जो पंजाब के अंदर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, आजाद कश्मीर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, इसके साथ साथ सहीवाल, सरगोधा, फैसलाबाद जितने भी बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड की जो टेंथ क्लास का पेपर होगा वो तमाम तलबा की 10 मई के जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी जो डेट शीट है इस वाले से भी बताएंगे, वीडियो को उसके बाद कीजिएगा। अगर नाइन्थ क्लास की बात करें तो 26 मई को आपके दोबारा जो है वो पेपर होंगे, और अगर बात करें इंटरमीडिएट की तो इंटरमीडिएट के जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके 18 जून से पेपर होंगे, और फर्स्ट ईयर वाले के 4 जुलाई से। ये डेट जो है वो आ चुकी है इम्तिहान की। और अगर डेट शीट की बात करें तो ऑफिशियली अभी तो टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, लेकिन जो ऑफिशियल डेट शीट है वो इम्तिहान से 2 हफ्ते पहले जो है वो जारी की जाएगी बोर्ड की तरफ से रोल नंबर स्लिप के साथ। तो जी और गुड न्यूज़ की बात करें तो जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट जो है वो करनी है तो इस हवाले से अपडेट सामने आई है इंप्रूवमेंट वाले तलबा के लिए कि जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा है वो एडिशनल सब्जेक्ट में दाखिला जो है वो भेज सकते हैं। एक मतलब कर चुके हैं लेकिन वो भी एडिशनल सब्जेक्ट में अपना दाखिला भेज सकते हैं।